मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी क्लास, अब आवाज आ रही है आप लोगों यस मैम, यस को? ओके ठीक है। मैम। मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सब सोए हुए हैं, दो बार आज आप लोग सिर्फ क्लास के लिए आए हो या कोई एग्जाम वगैरह भी था? अच्छा, और तो नहीं किसी ने आना? आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने ये टॉपिक मेरे जहन से निकल गया था, बल्कि ये ऐड करना था अपने सिलेबस में, और वो मुझे रात को याद आया कि ये भी एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे मैं तो वाइंड अप क्लास कर रही थी, लेकिन इसलिए मैंने कहा था कि कल की क्लास कोई मिस ना करे, मैंने मैसेज पहुंचाया था कि सब ये क्लास जरूर अटेंड करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मस्कुलर स्केलेटल अल्ट्रासाउंड के उस पर ना। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप अल्ट्रासाउंड। इसका इसको कहते हैं DDH, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। इसका अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा कॉमन है मस्कुलोस्केलेटल के अंदर, इसको कंसिडर किया जाता है मोस्ट कॉमनली, ये बच्चों में ज्यादा किया जाता है इसका ना, और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप क्या हो जाता है कि जो हमारा जहाँ पे फीमर अटैच होती है सिटेबुलम के अंदर, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाती है, वहां से वो डिस्प्लेस हो जाता है उसका हेड। ठीक है, कुछ जो है पहले इसको कहते होते थे कंजेनिटल डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया, इसका नाम था कि ये कंजेनिटली जो है ये प्रॉब्लम आती है बच्चों में, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आगे हम पढ़ेंगे जिस तरह के ड्यूरिंग फीटस लाइफ बेबी की पोजीशन इस तरह थी, ब्रीच पोजीशन था, या फिर उसके कोई मैलफॉर्मेशन की वजह से, न्यूट्रिशनल इनसफिशियंसी की वजह से उसके अंदर जो है डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं, और उसकी जो फीमर है वो ऑसिफाइड नहीं हो सकती उस फीटस लाइफ के अंदर, और जो है वो क्या आता है उसके अंदर प्रॉब्लम, वो कंजेनिटल डिस्प्लेसिया होता है। फिर उसके बाद डिफरेंट रिसर्चेज और डिफरेंट उसमें देखा गया है कि जो बच्चे कुछ पैदा होते थे नॉर्मल, उसका हिप बिल्कुल नॉर्मल था, कोई डिस्प्लेस नहीं था, बट विद टाइम 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद जो है कुछ ऐसे ही हम लोगों ने केसेस देखे जिसके अंदर ये डिस्प्लेसिया उनको मिला। ठीक है, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट अ कंजेनिटल डिजीज। पहले इसका नाम कंजेनिटल साथ अटैच किया जाता था, कंजेनिटल डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया होता था, लेकिन बाद में देखा गया कि कंजेनिटल नहीं है ये, विद टाइम भी डेवलप हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों के साथ है, हमारे पास कंजेनिटल भी केसेस आए हैं और हमारे पास समझ लो कि विद टाइम उन्होंने एक्वायर्ड भी किया है वो केसेस। होता क्या है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया? डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप इज अ कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इन न्यू बोर्न। ज्यादातर ये जो है ना बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी गई है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ऊपर आपकी कौन सी बोन, हिप जो हिप ज्वाइंट है उसके अंदर कौन सी बोन है, ये आलेक इलियम। ठीक है, इलियम के साथ इस नीचे कौन सा वो सॉकेट जहाँ पे बनता है एसिटेबुलम, और हमारे पास नीचे बोन कौन सी है, फीमर बोन है, फीमर का हेड जो कि एक बॉल की तरह काम करेगा, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको कहते हैं। ठीक है, डैट विद जो पहली वाली पिक्चर जो उस साइड पे, जो बेबी वाली साइड पे वो देखो, तो डैट इज द नॉर्मल पिक्चर जो उस एसिटेबुलम के अंदर जो है वो उसने फिक्स किया हुआ अपना हेड। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, बट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, क्या डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, द बॉल पार्ट ऑफ द जॉइंट कैन कम आउट ऑफ द सॉकेट। अब वो डिस्प्लेस हो सकता है, या तो फिर वो उसी एसिटेबुलम के अंदर थोड़ा सा वहीं पे पोजीशन अपनी चेंज कर सकता है, या कम्प्लीटली उस सॉकेट से बाहर उसका हेड जो है वो जिस तरह इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल एसिटेबुलम से बाहर उसका सॉकेट नजर आता है, कम्प्लीटली भी हो सकता है, इनकम्प्लीटली हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द इंट्रोडक्शन? डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप दैट इज DDH इसको कहते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स इन न्यूबॉर्न। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजेनिटल हिप डिस्प्लेसिया, बट एक्चुअली दिस इज मिस नॉर्मल, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, इसको कंजेनिटल पहले कहते थे, बट ये है नहीं कंजेनिटल, इट इज अ डेवलपमेंटल डिजीज। ठीक है,
विद डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डेवलप करता है, विद टाइम डेवलप कर सकता है, ठीक है। और फीटस लाइफ के अंदर भी इसकी ड्यू टू एनी इनसफिशेंसी इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। देर आर चिल्ड्रन हु आर बॉर्न विद नॉर्मल हिप्स हु डिवेलप डिस्प्लेजिया, ठीक है। ये आगे पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ बच्चे जिस तरह मैंने अभी आपको बताया पैदा ठीक है उनके अंदर कंजेनिटल प्रॉब्लम नहीं है, बट विद टाइम दे कैन एक्वायर दैट प्रॉब्लम। जिनको हम लोग कंजेनिटल के अंदर नहीं प्लेस करेंगे वो क्या होगा, वो एक्वायर्ड होगा उसके अंदर, वो विद टाइम उन्होंने डेवलप किया है डिस्प्लेजिया। इन दिस केस द चाइल्ड हैज अ न्यूरोवैस्कुलर डिसऑर्डर व्हिच कॉज द हिप टू बिकम डिस्प्लास्टिक एंड डिसलोकेट। अब इसके अंदर क्या होता है, कंजेनिटल के अंदर तो आपको पता है मैलफॉर्मेशन या उसकी न्यूट्रिएंट इनसफिशिएंसी या उसकी पोजीशन की वजह से, मोस्टली जो ब्रीच बच्चे होते हैं ना, ब्रीच उसकी पोजीशन होती है, उसमें जब ना कुछ जो होता है ना उसकी पोजीशन ऐसी होती है उसकी वजह से उसकी लेग के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट आ सकती है ड्यू टू द पोजीशन, ठीक। अदरवाइज अगर कंजेनिटल प्रॉब्लम नहीं है और बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से, उस कमजोरी की वजह से जो उसके मसल्स हैं वो उसके फीमर को, जो फीमर हेड है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम दैट एसिटेबुलम, ठीक हो गया। अच्छा, सो वी हैव टू रियलाइज दैट डीडीएच इज अ डायनामिक डिजीज एंड इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ एज सजेस्टेड बाय द नेम कंजेनिटल हिप डिस्प्लेजिया। पहले ये नाम होता था कंजेनिटल हिप डिस्प्लेजिया, जो के बाद में डीडीएच में कन्वर्ट हो गया बिकॉज इन्होंने नोट किया, सबने रिसर्चेस वगैरह हुई कि दिस इज नॉट अ कंजेनिटल डिजीज, ये दोनों में मिला है, डायनामिक डिजीज इसको कहते हैं, कंजेनिटल भी मिली और एक्वायर्ड भी मिली। ट्रीटमेंट इज इजियर एंड कॉम्प्लिकेशंस आर लेस लाइकली टू अकर व्हेन डीडीएच इज डायग्नोस्ड अर्ली, दैट्स व्हाई जितना जल्दी हम बच्चे के उसमें अल्ट्रासाउंड करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है डीडीएच में जा रहा है, तो अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट और उसका कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, तो ट्रीटमेंट इज ईजी, ठीक है। इन दिस केस एट 13 मंथ्स द ओनली साइन ऑफ फॉर्मल डिस्प्लेसिया इज द डिले ऑफ द फेमोरल हेड टू ऑसिफाई, ऑसिफिकेशन की वजह से, ड्यू टू डिलेड ऑसिफिकेशन की वजह से 13 मंथ्स या उससे ऑनवर्ड जो है वो हमें डिस्प्लेसिया मिल सकता है। अच्छा, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप इज मोर कॉमन इन गर्ल्स, यूजली इफ देयर has been a breech presentation or when they have a positive family history, ठीक है। क्या क्या हो सकती है इसकी etiology में, causes में क्या आ सकता है। Number one is girls are common, girls के अंदर ये problem ज्यादा common है, girls babies जितनी न्यू बॉर्न होती हैं, अगर baby breech position में था in fetus life उसमें common है, या फिर उसकी कोई positive family history में जो है genetically जो है वो transfer हो रही है problem। These risk factors plays a lesser role in the boys, क्लब फुट वॉज थॉट टू बी अ रिस्क फैक्टर बट दिस इज नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू, मतलब कि इसके साथ पहले इसको यूनाइट किया जाता था कि दैट मीन्स कि डिस्प्लेजिया के साथ क्लब फुट मिलेगा ही मिलेगा। क्लब फुट क्या होता है, अंदर की तरफ को पाँव जिसका ना होता है, तो कहते थे कि डिस्प्लेजिया में मोस्टली केसेस में ये मिलता था, तो वो कहते थे हर डिस्प्लेजिया के अंदर, बट दैट वॉज नॉट ट्रू, हमने सिर्फ डिस्प्लेजिया भी देखी है और उसके अंदर क्लब फुट नहीं मिला। तो इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया, गर्ल्स इन ब्रीच 12%, ये सारे इसके कॉज, जो गर्ल्स आर मोर मतलब इनके अंदर प्रॉब्लम हो, ये अब इसका तो नहीं हम कह सकते क्या है, लेकिन इतना पता है कि गर्ल्स के अंदर ज्यादा होता है, बॉयज में कम होता है। मे बी जो गर्ल्स की बोन्स होती है ना कंपेरेटिव टू द बॉयज बोन्स, दे आर सॉफ्टर बोन्स, ठीक है। वो जब फीटस लाइफ में भी होती हैं तो वो जब अगर ब्रीच पोजिशन में है तो वो डिस्प्लेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो वैसे भी गर्ल्स के अंदर बोन्स जो है वो इसलिए कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, ठीक है, वो बस वैसे अल्लाह की तरफ से ही है, तो मे बी इस वजह से हो कि वो डिस्प्लेस इजिली हो सकती हूँ, कि वो इतनी जल्दी जो है वो उसके अंदर ऑसिफाई नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरा क्या है, लेफ्ट साइड इज मोर कॉमन देन द राइट साइड, लेफ्ट साइड ज्यादा इन्वॉल्व होगी हिप की। और रिस्क फैक्टर्स क्या है, गर्ल्स इन ब्रीच पोजिशन 12%, बॉयज इन ब्रीच पोजिशन कम है उसकी परसेंटेज, गर्ल्स विद द पोस्टीरियर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एंड बॉयज विद द, दैट मीन्स गर्ल्स एंड विद द पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री and left side is common, ठीक है, बस ये याद रखो। ओके, अब आज हम लोग इसका अल्ट्रासाउंड कैसे करेंगे हिप के अंदर, वी ऑल नो सबसे पहले हम लोग उसकी एनाटमी को देखेंगे कि जब आपको एनाटमी रीड करनी आती है तो आप उसका अल्ट्रासाउंड भी करोगे, और नॉर्मल कैसे नजर आता है, तो डिस्प्लेस्ड फेमोरल हेड जो है वो किस तरह में नजर आएगा।
When ultrasound, we are looking at the same anatomical structure as on the X-ray. X-ray के ऊपर आप देख रहे हो कि iliac bone ऊपर आपको नजर आ रही है और नीचे जो socket बन रहा है जिसका वो acetabulum और उसके अंदर जो है दो में उसको divide किया गया है, अंदर वाली side pubic bone और जो two number है बाहर वाली side is the ischium. ठीक हो गया? This is the anatomy. One ऊपर iliac bone, अंदर pubic bone और ये इसके अंदर आके फिर वो अटैच होगा अगर हम इसको देखें पिक्चर को जो हमारे पास एक्सरे की है उसमें देखो तो हमारे पास जो स्पेस फ्री है ये वाली ये यहाँ पे वन इज द iliac bone. ठीक है, ये हमारे पास femoral head आ रहा है. जो अंदर वाली साइड यहाँ पे होगी जो अंदर वाली साइड है दैट इज द pubic bone एंड जो बाहर वाली साइड है वो क्या है ischium. तो ये हमारे पास पूरा इस तरह का सॉकेट बनेगा. ठीक है, एनाटॉमी को और देखते हैं. बिकॉज द इन्फेंट इज लाइंग ऑन इट्स साइड द एनाटॉमी इज डिस्प्लेड इन अ हॉरिजॉन्टल फैशन इंस्टेड ऑफ वर्टिकल. ठीक है, अगर आप देखो तो जब हम इसका स्कैन करते हैं तो जो बेबी है उसको हम लोग लाए करते हैं लिटा के और उसका साइड पे इस तरह प्रोब रखते हैं. लेनिया प्रोब रखी है आपने, ये कौन सा व्यू है? ये कॉर्नल व्यू है. आपने साइड पे रखी हुई है इस साइड पे, तो कॉर्नल व्यू के लिए आपने प्रोब इस तरह रखनी है तो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल इमेजेस नजर आएंगे. ठीक है, अगर इसी को कंपेयर करो एक्सरे के साथ तो हम लोग समझो कि इस तरह हमें अल्ट्रासाउंड पे भी सेम ऐसी स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे. ऊपर हमारे पास आइलेट जो स्पेस हमने देखनी है जिसके अंदर ये आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये हमने बेसिकली स्पेस देखनी होती है. यहाँ पे फेमोरल हेड आके अटैच होता है तो ये डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा तो वो इस एरिया पे हम लोग इसको देख सकेंगे. ठीक है, एंड दिस इज द वे द अल्ट्रासाउंड इमेज इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द अल्ट्रासाउंड. अब ये पहला वाला इमेज इज द एक्सरे इमेज, दूसरा क्या है स्केमेटिक के मतलब उसके अंदर बोन्स कैसे यूनाइट कर रही है, और थर्ड वन इज द अल्ट्रासाउंड. ये किसी ने लाइन बीच में ड्रॉ की हुई है, रिमूव नहीं हो सकती. अच्छा खैर, अब देखो अगर हम देखें तो ये आईलेट ये है. ठीक है, एक्सरे के ऊपर फिर उसके ऊपर अगर हम देखें इसके अंदर तो ये आइलेक है और अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये हमारे पास जो व्हाइट लाइन आएगी दिस विल बी द आइलेक. नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा था और ये ऊपर ये पूरा यू हमारी तीन बोन्स मिलके जो बाहर वाली साइड है दैट इज इसकी, और ये जो गोल सा नजर आ रहा है दिस विल बी द हेड ऑफ द फीमर दैट विल अटैच इन दिस सॉकेट. क्लियर, अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें इस तरह नजर आएगी. अब ये कि वीडियो है, इन दिस वीडियो द अल्ट्रासाउंड एनाटॉमी इज शोन. ये वीडियो देखो, ठीक है, इसमें आपको एनाटॉमी क्लियर होगी. ट्राई करो म्यूजिक भी और से देखना. दिस इज अ फेमोरल हेड, ग्रेटर टू कैंडर. ठीक है, फेमोरल हेड का आइलेट बोन. ठीक है, व्हाइट कलर की जो उसमें नजर आ रही है. This is the labrum, जिसके अंदर अटैच होता है वो femoral head. Cartilage होता है acetabulum. और नीचे triradiate cartilage, ऊपर capsule, और फिर ये muscles हैं कुछ ऊपर gluteus minimus, gluteus medius. Clear होगी? चलो, music ने भी enjoy कर लिया. ठीक है, आगे मैंने इसकी इमेज भी लगाई है. क्लियर होगी कि किस तरह हम लोगों को एनाटॉमी जो है वो नजर आएगी अल्ट्रासाउंड के ऊपर. हम लोग किस व्यू के ऊपर देख रहे हैं, कॉर्नल पे रखा तो हमें ये इमेज इस तरह नजर आएगा. जो व्हाइट लाइन है दिस इज द आइलेट बोन, नीचे जो यूं करके कनकेव बन रहा है दिस इज द सॉकेट जिसके अंदर फेमोरल हेड जो है वो आपको नजर आएगा. ऊपर यूं करके जो उसकी ट्यूब्रोसिटी सी बन रही है, हम सा बन रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर. फिर उसके बाद जो है कुछ मसल्स हैं ऊपर जो इंटीरियरली पड़े हुए. ठीक है, फिर उसके अंदर कार्टिलेजेस हैं, लेब्रम है वो हम लोगों ने, और नीचे जो है ट्राई रेडिएट कार्टिलेज जो कि इंफीरियरली नजर आ रहा है. क्लियर, एनाटॉमी क्लियर हो गई. ये अगर आप देखो इस पिक्चर के अंदर तो ये वाली एनाटॉमी थी जो उसने शो किया. ऊपर उसके अल्ट्रासाउंड इमेज ये दिल कर रहा है दे दूं फाइनल में, ईजी है ना. ठीक है, तो काफी क्लियर है. ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या कहते हैं पेपर के अंदर अगर वो प्रिंट भी आ गया तो शोर नहीं मचाओगे कि सही में नहीं है. बड़ा क्लियर है, वो व्हाइट लाइन को करो तो क्या है आइलेक बोन, और नीचे जो इतना बड़ा सा है दिस इज द फेमोरल हेड ये वाला. ठीक है, दिस हम्प इज. ठीक है, ये हमारे पास आ गए. फिर ये जो बीच में हमें यहाँ पे जो है फेमोरल हेड तो यहाँ तक है ना, तो ये जो बीच में हमारे पास आया दिस इज द कार्टिलेज ऑफ एसिटेबुलम. नीचे जो ये कम व्हाइट वाला आ रहा है दिस इज द ट्राई रेडिएट कार्टिलेज दिस वन. ठीक है, ये छोटा सा जो ट्राइंगल सा आ गया लेब्रम. ठीक है, ये ऊपर कैप्सूल आ गया. ठीक है, और ये दो ऊपर मसल्स आ गए दिस इज द एनाटॉमी. ठीक है, बड़ी अच्छी है, दिल कर रहा है देखने. चलो देखी जाएगी.
अच्छा एग्जामिनेशन टेक्निक, ये लाइंस कौन ड्रॉ कर रहा है? तुम लोग ठहर जाओ, जरा इंसान बन जाओ, बच्चों की तरह लाइनें ड्रॉ कर रहे हो ऊपर। पढ़ने दो। अच्छा कैसे, कहाँ पे? क्लियर। चलो अपना को ड्रॉ करना, मारूंगी बनना। चलो अच्छा, एनाटॉमी हो गई हमने और अल्ट्रासोनोग्राफिक एनाटॉमी भी देख ली और उसको देख लिया कि हम लोगों ने कैसे किस व्यू के अंदर एनाटॉमी नजर आएगी। अब करते हैं उसकी एग्जामिनेशन टेक्निक। व्हाट वी रिक्वायर्ड, लीनियर प्रोब, हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर प्रोब इज यूज, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों का करना है एक, दूसरा हम लोगों को इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें रेजोल्यूशन बहुत बेहतर चाहिए। फॉर दैट वी यूज लीनियर प्रोब, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब इज यूज, द फोकस इज सेट एट द एसिटेबुलर एज। अब हमने सेंटर जो है वो फोकस रखना है एसिटेबुलर, ठीक है, ताकि उसके इधर और इधर वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाए। तो सेंटर्ड फोकस हमारा क्या है, एसिटेबुलर एज। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्प्ले एन इमेज इन द कॉरोनल प्लेन एट द लेवल ऑफ द ट्राई रेडिएट कार्टिलेज, दैट वाज इंफीरियरली जो नजर आया था ट्राई रेडिएट कार्टिलेज, व्हिच इज सिंक्रोडोसिस बिटवीन द आईलेट, इश्कियम एंड प्यूबिक बोन, व्हिच फॉर्म्स द एसिटेबुलम, जो कि हमने लास्ट शुरू की एक पिक्चर में देखा था, 1, 2 and 3, और तीनों बोन्स यूनाइट करके एसिटेबुलम के अंदर वो बना रही थी। वो एरिया हमने फोकस करना है, वो एरिया हमें इमेज में नजर आना चाहिए, उसके साथ तीनों बोन्स वो नजर आए, कौन कौन सी, आईलेट, इश्कियल एंड प्यूबिक बोन। अच्छा दिस इज शोन इन दिस वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम, आज वीडियोज लगाई हैं मैंने, इंजॉय करो लास्ट प्रो हो, उसको क्या हो गया, नजर ही लग गई है। चलो ट्राई रेडिएट कार्टिलेज दैट वाज इंफीरियरली प्रेजेंट, अब वो किधर था, अब उस अगर इस इमेज को देखो तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, दिस इज आवर प्रोब, जिस तरह प्रोब को इस तरफ को लेके आ रहे हो बाहर वाली साइड पे, तो हमें क्या क्या चीजें, प्यूबिक बोन और ये वो, जिस तरह हम अंदर और बाहर की तरफ को इसको मूव कर रहे हैं, उस तरह हमें इमेज जो है वो मूव करता हुआ इसको देखना, अभी दोबारा से कि इस लाइन को देखना और साथ में इमेज को देखना, तो वो हमें प्रोब कैसे मूव कर रही है, किस तरफ को मूव कर रही है, तो हमें वो चीज नजर आ रही है। अब ये देखो अंदर वाली साइड पे जा रहा है प्यूबिक बोन की तरफ, ठीक है, दिस वाइट, जब हम इंटीरियरली अपनी प्रोब को लेकर जाएंगे, अंदर वाली इंटीरियर कह रही हूँ, मीडियली लेकर जाएंगे, तो हमें कौन सी बोन नजर आएगी, प्यूबिक। अब देखो हम मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ को, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी बोन आ गई, नीचे, ठीक है। This is a tri-radiate cartilage. ठीक है, बड़ी मेहनत से ये वाला मैंने बनाया लेक्चर, और जो है ना ताकि इजी समझ आ जाए, बहुत ज्यादा कॉमन है मस्कुलोस्केलेटल में यह टॉपिक, पता नहीं मेरे जहन में से कैसे निकल गया, रात को एकदम याद आया कि ये तो टॉपिक सबसे पहले इंक्लूड करना चाहिए था DDH का। तो अच्छा अब इसके अंदर क्या है, हम प्रोब को मीडियली और लेटरली मूव कर रहे हैं ऊपर, अगर अल्ट्रासाउंड की पिक्चर देखो तो वो जो वाइट लाइन है ऊपर आईलेट बोन की, वो तो वैसे ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं सिर्फ प्रोब को इधर और इधर को, जब अंदर की तरफ जा रहे हैं तो नीचे वाइट कलर की अगर बोन नजर आ रही है तो दिस इज प्यूबिक बोन, अगर हम बाहर की तरफ को लेकर जा रहे हैं तो वो, और साथ में अगर हमें बोन तो वाइट नजर आ रही है थोड़ी सी एकुजेनिसिटी उससे कम, तो नीचे हमें ट्राई रेडिएट कार्टिलेज भी वहां पर मिलेगा, ठीक है, ये उसकी एनाटॉमी जैसे हम प्रोब मूव करें। हाँ बाहर की तरफ को कार्टिलेज नजर आएगा, अंदर की तरफ को प्यूबिक बोन, ठीक है, और बाहर की तरफ को अगर बोन देखनी है तो वो फिर हमें इस पिक्चर वीडियो में दोबारा देखना। और व्हाट, अब तो आगे अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल चीजें, नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल देखा था हेड कैसे फिक्स हुआ है उसके अंदर, अब इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ क्लासिफिकेशन में, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह हम बायरेड्स करते हैं, क्लासीफाई करते हैं हर चीज के लिए, ठीक है, और उसके लिए हम रिपोर्टिंग करते हैं, इसी तरह की यहाँ पे भी कुछ क्लासिफिकेशन हैं, ग्राफ क्लासिफिकेशन, और उसमें हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें उन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली पता चले कि ये ठीक है, नॉर्मल है, या डिस्प्लेस्ड है तो कितना। और अगर आपने मेरी वो वाली प्रैक्टिकल क्लासेस ली हो जिसके अंदर मैंने आपको मेजरमेंट्स की कुछ एनोटेशन वो बताई थी चीजें, कि उसके अंदर एंगल बताया था मैंने, एंगल को जब मैं प्रेस करती थी तो इसके अंदर प्लस सा एक यूं करके एक लाइन, उसको फिर हम रोटेट करके, उसकी मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ DDH की मेजरमेंट में ग्राफ क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा है।
क्यों? क्योंकि हमने इसमें एंगल लेना होता है। अब हम कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेस्ड अगर है तो कितना, वो हम एंगल लेंगे, कैसे आगे देखते हैं। अच्छा, ग्राफ क्लासिफिकेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस द ग्राफ क्लासिफिकेशन ऑफ द हिप डिस्प्लेसिया इज मेनली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द आईलेट बोन वेयर वी लुक एट द शेप ऑफ द एसिटेबुलम द बोनी एंड कार्टिलेजेनियस एसिटेबुलम रिम लेब्रम एंड पोजिशन ऑफ द फेमोरल हेड। ये सारी चीजें को देखेंगे, नॉर्मल हमें पोजीशंस पता है उस एरिया के, एसिटेबुलम है, लेब्रम है, हमने एनाटॉमी में सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है। अगर वो अपनी पोजीशन पे नॉर्मली प्लेस्ड हैं तो नॉर्मल, अदरवाइज डिस्प्लेस्ड। सिंस अल्ट्रासाउंड हैज एन एडवांटेज ऑफ ऑल्सो डिस्प्लेइंग द कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर अल्ट्रासाउंड इज द ओनली इन्वेस्टिगेशन, जो कि हम अभी तक कह रहे थे ना कि बाकियों के लिए तो हम MRI की तरफ ले जाएं CT, बट दिस इज द ओनली अल्ट्रासाउंड जो है हमारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक ये कि हम लोग सिर्फ बोन्स को नहीं देख रहे, हम इसमें कार्टिलेजेस को भी देख रहे हैं और हमारे साथ मूव कर रहे हैं अपने, उसके अंदर डायनामिक इमेजिंग है, तो अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट मोडालिटी टू इन्वेस्टिगेट DDH, ठीक हो गया। अच्छा, कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं इसके अंदर। वी कैन ऑल्सो लुक एट द कवरेज ऑफ द फेमोरल हेड बाय द कार्टिलेज ऑफ द एसिटेबुलम एंड द लेब्रम। दीज ऑल आर द एनाटॉमी विच वी हैव टू बी कवर्ड इन दिस ग्राफ क्लासिफिकेशन। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन लेंगे तो ये सारी चीजें नॉर्मली हम लोगों ने इस जगह देखनी है। अब क्या मेजरमेंट्स लेंगे हम लोग इनकी? फर्स्ट 3 points ऑफ द इंटरेस्ट नीड टू बी आइडेंटिफाइड इन द इमेज। अब हम लोगों ने नॉर्मल्स देख ली है ना, अब हम एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्या जहन में 3 points होने चाहिए जो अपनी जगह पे हैं? तो हम लोग कह सकते हैं ये पहले 3 points नॉर्मल देखो। नॉर्मली ये 3 points इस तरह होते हैं। नंबर 1 point जो कि ऊपर आप देख रहे हो, दैट इज द सेंटर ऑफ लेब्रम, जो ट्राइंगल छोटा सा नजर आ रहा था हम लोगों को एनाटॉमी में जब वो वीडियो में देखा था, वो ट्राइंगल सा आता है छोटा सा, ये पड़ा हुआ 1 पे आ गया ये, ठीक हो गया। This is the center of labrum. Number 2, lower limb of the iliac bone. Understand the medial border of the acetabulum where the iliac bone meets the triradiate cartilage. अब यहां से आगे ये iliac bone, यहाँ बोन है पूरी, और यहां से आगे हमारे पास ये, जहां से थोड़ा सा प्रोब को मूव करोगे तो इसकी एपोजेनिसिटी इससे थोड़ी सी कम मिलेगी, तो ये बॉर्डर से आगे हमें मिलेगा triradiate cartilage, ठीक है, इस जगह पे। And third one is this. वो क्या है? When the bony rim is angular, this point is easily recognized. When rounded, this point is defined as the point where the concavity of the acetabular roof changes into convexity of the ilium. जब displaced होगा, अभी तो concavity है ना, यूं करके, ठीक है, यूं करके क्या होता है, इसकी वजह से इसके अंदर कन्वेक्सिविटी, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ को होना शुरू हो जाएगा, ये लाइन जो थर्ड हमें नजर आ रही है। तो ये 3 points हैं जो कि हम लोगों ने मेजरमेंट्स के लिए जहन में रखने हैं। नाउ मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो है, एंजॉय करो वीडियो को। एक और वीडियो आ गई है, अब हम लोगों ने एनाटॉमी देख ली थी, उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्रो प्लेसमेंट देखी है, अब हम लोग उसकी मेजरमेंट्स में आ जाएंगे। नॉर्मल तो देख लिया, अब हम मेजर क्या करेंगे और कैसे करेंगे। मैंने आपको एंगल्स बताए हैं कुछ, उसको जहन में रखना है किस जगह पे क्या एंगल लेंगे। इन दिस वीडियो यू विल सी प्रॉपर मेजरमेंट आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द 3 points ऑफ द इंटरेस्ट। 3 points आपके जहन में आ गए, कौन कौन से जिनको अपने जहन में रखते हुए वो चीज देखनी है, फिर हम मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है। लेब्रम था और वो 2 points वो बोनी, ठीक है। व्हेन यू परफॉर्म द अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन मेक श्योर दैट दीज 3 points कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द इमेज, ठीक है। एंजॉयड, इसका म्यूजिक भी डिफरेंट है, ठीक है। एक लाइन यू ड्रॉ करनी है, दिस लाइन विल बी द बेस लाइन। दूसरा पॉइंट देख रहे हो, एक ये एंगल, दिस इज द अल्फा एंगल। दूसरा पॉइंट लेब्रम वाला, उसको सेंटर रखो। दूसरी लाइन वहां ड्रॉ करो, बीटा एंगल। क्लियर? ये हम लोगों ने एंगल लेने होते हैं दो, एक अल्फा एंगल और एक बीटा एंगल। कैसे? आइलेक बोन से एक बेसलाइन की तरह एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे जहन में कौन सा था? जहां पे ट्राइरेडिएट कार्टिलेज शुरू हो रहा था, इस पॉइंट जो रेड पॉइंट नीचे वाला, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है येलो वाली ऊपर की तरफ को, ठीक है। उसका और बेसलाइन के आपस में जो हमारे पास एंगल आएगा, डैट विल बी द अल्फा एंगल। बीटा एंगल, दूसरा पॉइंट हमने इंटरेस्ट का कौन सा रखा था?
लेब्रम, ठीक है, लेब्रम के अंदर वहां वो सेंटर रखा और उस बेस लाइन से और ये येलो लाइन से एक लाइन ड्रॉ करो, वो एंगल जो हमें बताएगा डेट विल बी द बेस बीटा एंगल, ठीक है। अब ये इस तरह हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ नहीं करनी होती है अल्ट्रासाउंड पे, मैंने आपको एंगल दिखाया था जब आपको मैं प्रेस कर रही थी तो वो प्लस के उस पर वो रोटेट भी हो रहा था इस तरह करके, उसको हमने बस इन पॉइंट्स पे रखना है। इन पॉइंट्स पे रखोगे तो हमें पता है बेस लाइन ये है, बेस लाइन की तरह वो नीचे जो उसकी वर्टिकल लाइन थी उसको इस तरह रख के और फिर हम लोग जो है उसको उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। वहां पे उसको प्रेस करोगे वो एंगल दे देगा, एग्जैक्ट एंगल दे देगा, ठीक है। तो हमने अल्फा और बीटा एंगल के ऊपर ही रिपोर्ट करनी है कि इसका अल्फा एंगल कितना था और बीटा। एनाटमी होगी, मेजरमेंट्स हो गई, अल्फा एंगल बीटा एंगल ले लिया, अब क्या बताएंगे अल्फा एंगल बीटा एंगल, ठीक है, कितना नॉर्मल होता है। ये हमारे पास है इनकी क्लासिफिकेशन जिसको हम ग्राफ क्लासिफिकेशन, जो मैंने अभी कहा था कि हम लोगों ने जब इसकी मेजरमेंट्स लेनी है, ठीक है, ये शॉर्ट वर्जन है। The alpha angle, which is the measurement of the bony roof of the acetabulum, mainly determines the hip type. Alpha angle hip type बता रहा है. Actually, the classification purpose of the beta angle is only used to differentiate between type A1, sorry, IA, या फिर 1A कह लो, ठीक है, या 1B, both normal hips between the type 2C and type D. अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसकी मेजरमेंट्स को याद रखो, बस ये कि अल्फा एंगल जो है टाइप वन जो होती है डेट इज नॉर्मल, जिसका जो एंगल है मोर देन 60 डिग्री होता है, ठीक है। फिर टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, इस तरह में फर्दर जो है ना सब क्लासिफिकेशन दी हुई है, वो आपके लिए इतना नहीं है, वो डॉक्टर्स जो है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, बट यू ऑल नो कि बस क्या नॉर्मल है टाइप वन से नॉर्मल की तरफ से ऊपर की तरफ हम एबनॉर्मेलिटी की तरफ उसकी एंगल्स को देखते जाएंगे। वो शॉर्ट वर्जन था। लॉन्ग वर्जन में क्या होता है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 3 months, दैट इज 13 weeks, अल्फा एंगल बिलो 60 डिग्री इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्योंकि क्या होता है बोन्स अभी ऑसिफाई हो रही होती है, तो 60 वैसे हमने कहा 60 से अबव जो है वो नॉर्मल में आता है, लेकिन हम 3 months के अंदर, लॉन्ग वर्जन है ये, अगर 3 months तक बेबी उसका अल्ट्रासाउंड करवाने आया उसका लेस देन 60 एंगल है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज नॉट एबनॉर्मल, ठीक हो गया, समझ आ गई। अ न्यूनेट कैन इवन स्टार्ट विद एन अल्फा एंगल ऑफ 50 डिग्री, ठीक है, डेट इज 60, बट न्यूनेट है कम है 60 से, तो डेट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज बोन्स अभी, प्रोवाइड दैट द एंगल ग्रेजुअली रीचेस द 60 डिग्री बाय द एज ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स या 13 वीक्स से ऑनवर्ड जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर 60 डिग्री से ऊपर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। एट द एज ऑफ 3 months द डिसीजन हैज टू बी मेड वेदर द हिप इज नॉर्मल और नॉट, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना है उसकी एज जरूर देखनी है कि अगर वो 3 months से कम बच्चा है तो अगर उसका आ रहा है 60 से कम आ रहा है एंगल तो आप उसको नॉर्मल नहीं कंसिडर करोगे, ठीक है। हमने डिसीजन 3 months के बाद ही लेना है कि आया कि उसका जो हिप है वो डिस्प्लेस्ड है या नॉर्मल है, तो वो 3 months के बाद ही हम देखेंगे। अगर 3 months के बाद 60 से कम आ रहा है डैट मीन्स लीडिंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ग्राफ की वो टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री उनकी जो उसमें फॉल कर रही होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर टाइप वन है तो 60 से अबव होना चाहिए, क्लियर हो गया। आइडेंटिकली इफ अ न्यूनेट स्टार्ट विद एन अल्फा एंगल ऑफ 60 डिग्री देन एवरीथिंग इज ओके एंड नो फॉलो अप इज नेसेसरी। वो पैदा ही 60 से हुआ है तो नथिंग टू वरी, वो और ज्यादा बल्कि उसका एंगल अब बढ़ेगा ही आहिस्ता आहिस्ता, तो वो फॉलो अप की भी जरूरत नहीं है, क्लियर है। एबनॉर्मलिटी है 60 से अबव जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो वैसे 3 months तक 60 हमें अल्फा नजर आता है, लेकिन उससे कम अगर नजर आ रहा है तो फिर भी 3 months तक वेट करो, 3 months के बाद हम डिसीजन लेंगे। अगर पैदा ही 50 तक अगर नॉर्मली होता है तो वेट फॉर 3 months, अगर 60 पे ही वो यूनिट पैदा हुआ है तो नथिंग टू वरी, फॉलो अप की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉलो अप उन पे है जिनका 50-60 अगर स्टार्टिंग में है, तो 3 months का वेट करो, 3 months का फॉलो अप रखो। After 3 months we have to decide आया ये जो है dysplasia है या फिर वो according to the alpha angle angle जब लेंगे। और मैम जो 60 degree है ये alpha angle? Alpha angle। और मैम beta को आपने? Beta मैं अभी बताती हूँ, ठीक है, अभी हम alpha पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। ये उसके अंदर पूरा टेबल है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। टाइप वन जो है मेच्योरिटी, उसके अंदर मेच्योरिटी होती है, बोनी रूफ जो है गुड है, अल्फा एंगल इज मोर देन 60, बोनी रिंग शार्प नजर आता है, कार्टिलेज गुड कवरेज, फेमोरल हेड, ठीक है, बीटा एंगल लेस देन 55 या मोर देन 55, ये उसकी टाइप है, और ये हर एज ग्रुप में मोर देन 60 अल्फा होना चाहिए, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। लेस देन 3 के अंदर बस आप देखो बोनी एंगल को, इसके अंदर देखो बस इनको कंपेयर करो एजिस को और बोनी एंगल देखो, लेस देन 3 months 50 से 59 तक होता है, ठीक है, तो वेट फॉर 3 months, ठीक। फिर लेस देन इसके अंदर मेच्योरिटी ग्रेड्स और ये जो है ना इसके अकॉर्डिंगली टाइप्स को इन्होंने
वो किया हुआ है कि उसके अंदर बोन्स कैसे शार्प हो जाएंगी या बोन्स कैसे, ठीक ये चीज जरूर देख लेना। अब ये देखो उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ उसके ऊपर पिक्चर के ऊपर कि टाइप वन कौन सी, टाइप वन ए, टाइप वन ए जो है हमें पता है कि अल्फा एंगल मोर देन 60 होता है, तो इसके अंदर अल्फा 69 है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोग कैटेगरी देख रहे हैं, नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ आना है। टाइप वन इज द नॉर्मल वन, और फिर हम लोग जैसे जैसे उसकी देख रहे हो, पहले 69 था अल्फा एंगल, देखो तो 63 आ गया, ठीक है। आज फिर आ जाओ अगली 2A, 2 पे आ गए क्लासिफिकेशन में, तो 55 अल्फा एंगल आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक 55 55 48 46 40, ठीक है। दिस इज, हमें नीचे पिक्चर देखो तो वो पता चल रहा है कि वो उसके अंदर फिक्स नहीं है, हम फेमोरल हेड डिस्प्लेस हुआ है, स्पेस आ गई है उसके अंदर। तो दिस इज आवर लास्ट स्लाइड जिसके अंदर हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, ये चीजें हमने देखनी होती हैं फॉर टू रिपोर्ट DDH। DDH जब भी आपने देखा उसके अंदर रिपोर्ट में क्या क्या लिखोगे, कंपेयर टू द एडिक्वेट एग्जामिनेशन, बोनी रूफ बतानी है, बोनी रूफ यहाँ तो होगी गुड, एडिक्वेट या डेफिशिएंट जो कि पिछले टेबल के अंदर है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। बोनी रिम बतानी है, वो शार्प होगी, राउंडेड होगी या फ्लैट होगी। एंगल बताना है अल्फा एंगल डिग्री में, ठीक है। लैब्रम पोजिशन बतानी है, ठीक है। फिर बीटा एंगल बताना है डिग्री में, कितना बीटा एंगल है को हमें मेजरमेंट करनी आ गई है। पोजिशन ऑफ द हेड या सेंट्रिक होगा या एक्सेंट्रिक होगा। ऑसिफिकेशन हेड नो सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, और कंक्लूजन नॉर्मल डिस्प्लेसिया या ग्राफ क्लासिफिकेशन 1, 2 या 4, ठीक है। जब भी रिपोर्ट करोगे आपने ये चीजें देख के सारी चीजें ऊपर लिख ली, रूफ ऐसी है, बोनी रूफ ये है, डिग्री ये है, अल्फा बीटा ये सब कुछ, और कंक्लूजन में दिस इज द नॉर्मल, या फिर अगर कोई मिल रही है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसिया ऑफ द लेफ्ट हिप या फिर राइट लिप या बोथ, और यहाँ फिर हम लोगों ने लिख दिया कि टाइप वन है या टाइप टू है अकॉर्डिंग टू जो हमने रिपोर्ट्स का पीछे टेबल देख लिया। क्लियर, आज का टॉपिक इजी था और बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। मस्कुलोस्केलेटल सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ, बाकियों के लिए तो हम फिर रेफर करते हैं दूसरी इमेजिंग, लेकिन इसके लिए हम करते ही अल्ट्रासाउंड, और बच्चों के लिए बहुत कॉमन है, बच्चों में किया जाता है, ठीक है। तो मुझे ये पहला टॉपिक रखना चाहिए था, बट लास्ट टॉपिक है, लेकिन शुक्र करो निकल नहीं गया टॉपिक, ठीक है। तो हो गया, मेरा ख्याल है आप सबको समझ आ गई होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज रात को बैठे हुए नहीं मेरे नहीं, तो मैं तो वो बैठी थी गूगल पे सर्च कर रही थी मस्कुलोस्केलेटल के लिए टॉपिक में, तो DDH सामने आया ऐसे, तो उनका यार ये मिस हो गया, वीडियोस होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ जिसकी वीडियोस मुझे अब इसमें स्लाइड्स में लगती नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा वीडियोस के, ठीक है। ये तो कुछ सेकंड्स वाली वीडियोस थी ना, पूरी स्कैनिंग टेक्निक्स आपको उस वीडियोस में मिलती हैं, ऐसे एनाटॉमी बता रहे हैं साथ में उसकी डायग्राम वाली एनाटॉमी ताकि जहन में हो, फिर अल्ट्रासाउंड पर कैसे नजर आती है, और ये सिर्फ उसकी नहीं मस्कुलोस्केलेटल की, हर रीजन की, आप एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, ब्रेन का कर रहे हो, हर चीज अवेलेबल है यूट्यूब की वीडियोस में, तो वीडियोस देखा करो, वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं और मजा आता है देखने का भी, और समझ भी आ जाती है वीडियोस के थ्रू। नहीं ये इसकी जो रेडियो रेडियोलॉजी असिस्टेंट की वेबसाइट है ना, उसके अंदर ये पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ, ठीक है, इसी तरह पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ते पढ़ते मेरे आया, मैंने वहीं से उठाया वीडियोस, बल्कि मेरी लगी है इसी साइड वीडियोस लगा के थे, ऐसे ही लगा लो मैंने वीडियोस लगा के थे, वीडियोस से तो मजा आ रहा है, मुझे लगानी नहीं आती थी, तो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया कि यूट्यूब की जो वीडियोस है वो डाउनलोड हो सकती हैं, और लैपटॉप पे करके दिया, रात 12-1 बजे में ये काम कर रही थी, फिर मैंने मैसेज 12 बजे किया होगा, मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को, कि उस वक्त क्या था, मैंने उसी वक्त मैंने लेक्चर कम्प्लीट करके बैठक बनाया था, और मेरा आज फर्स्ट स्लॉट में विजिलेशन की ड्यूटी हुई थी, और रात 12 बजे तक मैं ये काम कर रही थी, और मैं फटाफट काम कर गई, ये ना क्लास में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर और बोली शायद ये ना, तो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कोशिश करना, कि जा ही रहे होते वैसे तो 12-1 बजे तो तुम्हारी सुबह होती है, ठीक है। तो वैसे मेरा था कि कोई ऐसे कंक्लूजन टॉपिक लास्ट था, सिलेबस भी हमारा कम्प्लीट हो गया हुआ, ठीक है, ईद है, अब ईद इंजॉय करो, गोश्त इंजॉय करो, और टिक्के शिक्के बनाओ, ठीक है, अब ईद के बाद ही मिलेंगे इंशाल्लाह, और हम लोग अब मिलेंगे प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। थ्योरेटिकल सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब इंशाल्लाह हम लोग, मैं उसका आप लोगों को जो है ना बता दूंगी कि कैसे प्रैक्टिकल्स हम क्लास के टाइम पे करेंगे, और कोशिश करेंगे क्लास के टाइम पे ही करें, ताकि दूसरी क्लास को ना, मतलब उनको उनकी क्लास के टाइम पे, और जो है ना हर क्लास का अपना जो टाइम होगा उसमें हम लोग उसका। हाँ जी, फ्राइडे को आपको ऑन है तो क्लासेस होंगी, तुम लोग तो घर से ले सकते हो ऑनलाइन, लेकिन क्योंकि इसका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया,
मेमो का भी कंप्लीट हो गया, मेमो का कंप्लीट हो गया, मैं समझ रही हूँ रीजनल का सिर्फ रह गया, वो भी आधा मतलब आधा पढ़ लिया था हम लोगों ने और आधा रह गया, सिर्फ रीजनल रह गया फ्राइडे को, बाकी उनका कंप्लीट है। मेमो की भी नहीं होगी क्लास और मस्कोस्पेक्टर की भी नहीं होगी, क्लास नहीं होगी लेकिन मैं प्रैक्टिकल का स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया फ्राइडे आना है, फिर अगला जो हफ्ता होगा ना मतलब फ्राइडे से नेक्स्ट वीक में दो क्लासेस होंगी, वो बस दो क्लासेस में प्रैक्टिकल होंगे, दो ही क्लासेस में, ठीक है। तो कोशिश करना निबोलॉजीज को अच्छे से पढ़ सको, बाकी तो हम स्कैनिंग साइंसेस से निबोलॉजीज देखो, ताकि उस दो हफ्ते दो क्लासेस के बाद जो अगला हफ्ता उससे जो नेक्स्ट हफ्ता होगा ना उसमें मैं आपका ये जो क्लास पार्टिसिपेशन वाले मार्क्स है ना वो ये निबोलॉजीज की कुछ चीजें पूछ के और एक क्वेश्चन कोई भी जनरल सा क्वेश्चन कोई पूछ के तो उसके मार्क्स लगाऊंगी और साथ में कोशिश करूंगी कि वाइवा के भी डेट अनाउंस कर दूँ, ठीक है। फिर हमारे पास टाइम फाइनल का ही बचेगा और प्रैक्टिकल का, क्योंकि अभी हम लोगों ने वेबिनार भी कराना है, सेमिनार भी होने हैं, पोस्टर कंपटीशन जो मैंने कहा था अपने अपने पोस्टर्स जो है वो बनाना शुरू करो, ताकि जो है ना फिर इसको हम लोग देखें, ठीक है। और क्या हो गया, टाइम है अभी 10 मिनट भी बातें शायद ही खोल लेते हैं। तो फाइव का एक ग्रुप बना लो और मुझे शेयर करना पहले कि आप लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हो, उसके बाद पता है ना ये कैसे होते हैं पोस्टर्स, फ्लेक्स फ्लेक्स के लंबे लंबे से फ्लेक्स होते हैं और प्रॉपर उसके अंदर आपको समराइज चीज लिखनी होती है, पिक्चर थोड़ी सी ग्राफ डालना होता है, ठीक है। तो वो आप जो जिसका टॉपिक अच्छा, लेकिन अभी तो हमें 10 ही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो पहले तो आप इन 10 में आने की कोशिश करो, ठीक है, सेलेक्ट हो जाए आपका, ठीक, और हो जाए फिर आप प्रिंट कराना, ठीक है। तो आप लोग पहले ये सब देख लो, उसके बाद हम लोग करेंगे। कुछ चीजें शायद ही ईद की छुट्टियों में कुछ डिसाइड हो, लेकिन मतलब वेबिनार कब हो रहा है कुछ ऐसा देखो क्या डिसाइड होता है, कि ईद के बाद ही हमने कहा था डिसाइड करने का, ठीक है। ऑनलाइन वाले जाग रहे हो, सोए हुए हो? यस मैम, यस मैम, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। नाश्ता वाश्ता कर लो, आए क्यों नहीं हो, लास्ट क्लास से आ जाते। हाँ आउट ऑफ स्टेशन वालों ने तो कहना है हम लोग तो बस अब चले गए, छुट्टियां हो गई हैं उनकी, चलो बनता है। वो तो मंडे को आए, हाँ वो तो मंडे को, वाकई हमारे साथ कितनी फैकल्टी ऐसी है जो आउट ऑफ लाहौर की है, वो भी फ्राइडे को चली गई। सैटरडे मोस्टली लोगों के ऑफ होते हैं, मेरा ऑन होता है, मेरा मंडे ऑफ होता है, छुट्टियां उन्होंने ट्यूसडे से दी हैं तो मेरा आज से ऑफ हो जाएगा, तो मंडे को जिन्होंने आना है, लेकिन मोस्टली फैकल्टी ने वो ऑफ ले लिया है, मंडे को किसी ने भी नहीं आना, मुझे लगता है स्टूडेंट्स तो वैसे ही नहीं आएंगे, तो जो टीचर्स हैं वो भी लाहौर की शायद जिनका कोई लेक्चर लेक्चर हो तो वो आए, वरना तो मेरा तो मंडे ऑफ होता है, तो फिर उसके बाद फ्राइडे को आएंगे। बड़ी ज्यादा भी है, थर्ड डे भी ऑन कर दिया, तीसरे दिन तो बड़ी ईद पे होता है, छोटी ईद पे चलो होता था, चलो छोटी ईद पे क्या करना होता है, दो दिन भी बहुत, बड़ी ईद पे तो बस कुर्बानी ही तीसरे दिन कर रहे होते हैं मोस्टली, तो वो तीसरा दिन तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए था ना, वैसे पूरा साल छुट्टियां रखेंगे, ये वो कर, ये कोविड आ गया, ये आ गया, फजूल की छुट्टियां दे रखते होते हैं और जो देनी चाहिए उसमें देते नहीं है, कंजूस। थोड़ी देर के लिए तुम लोग प्रैक्टिकल्स करना, मैं और वो खेलेंगे बास्केटबॉल, माशाल्लाह कल 8 months की हो गई है, 16 की ना, 8 months की हो गई, शरारती भी हो गई, ठीक हो गया। पूरी उसकी बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऑनलाइन वालों, हम बातें कर रहे हैं, कुछ आप लोगों ने भी ऐड करना है तो यू कैन ऐड समथिंग, अगर कोई लीव करना चाहता है तो लीव कर दे, हम लोग बस 10 मिनट तक मैं क्लास लीव करूंगी, तो हम लोग तो बातें कर रहे हैं, क्लास का टॉपिक हो गया। अटेंडेंस आपकी ऑनलाइन है, वो जूम पे आ जाएगी, ओके मैम, अल्लाह हाफिज़ ही मुबारक जाओ।
उसके सामने उसका अंदर हो गया मुझे कहा मैं तो आप नहीं मेरे को दस मैं आई था आपकी तरफ से मिंसा वैसे मैंने जब रखा था उस वक्त नहीं था और जब रख लिया तो इतनी मिंसा हर घर से मिंसा निकलती मैंने तो वो हजरत यूसुफ वाली मूवी लगती होती थी ना उस वैसे ही शादी के बाद वो बैठ के देखती होती तो उसमें आया था नेम ना मिंसा हजरत यूसुफ की बेटी का नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम था मिंसा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा नाम कि एक तो इस्लामिक नेम है ऊपर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वैसे आपको पता खूबसूरती में तो उनका साथ उनकी बेटी थी तो मुझे था कि अल्लाह ताला ने अगर बेटी दी तो मैं उसका नाम जरूर मिंसा रखूंगी तो फिर नेम भी अच्छा छोटा सा नेम है और उसका मतलब भी पीस और अच्छा नेम था अमन पीस मैंने कहा चलो छोटा सा नेम मुझे छोटे नेम्स पसंद है छोटे छोटे नेम्स होने चाहिए बहुत बड़े नेम्स ना क्या वो पड़ जाते हैं निक पड़ जाते हैं फिर निक नेम मुझे नहीं अच्छे लगते उल्टे सीधे जो है ना बुलाते रहते हैं आजकल तो बहुत जिद्दी हुई है शायद वो उसका टीथिंग वाला स्टेज आया हुआ है तो वो बस थोड़ी हवा भी निकली हुई है उसकी माशाल्लाह पहले सेहतमंद हुई थी पहले तो पहचानते भी नहीं थे अब घर जाती हूँ तो मैं ऐसे करेगी कि उठा लो जल्दी जल्दी दादू के पास होती है अब अभी तो सो रही होती है मेरी वैसे सुबह जल्दी क्लासेस होती है मेरी कोशिश होती है क्लासेस देख के तो मैं फटाफट घर पहुंचू उसके पास ना तो अभी तो वैसे अगर उठ भी जाए तो वो फिर अपने फुप्पो के पास है दादा के पास खेलती रहती है खेल रहती है तो इतनी देर में मैं कोशिश करती हूँ जल्दी घर पहुंचने तो उसको मैडम को आजकल नशा चढ़ा हुआ है बहुत सोती है आजकल मैं सो ही रहा हूँ तो वो आगे पीछे बड़े चुप करके बैठी मैं उसको कॉट साथ लेके आई थी क्लास खाली थी बिल्कुल उसमें स्टार्टिंग की क्लास थी और आपको पता कितनी ज्यादा आवाज एको की प्रोड्यूस होती है खाली क्लास हो उसको मैंने कॉट में इस तरह सामने मैंने कहा गिरना जाए छोटी थी उसको तो मैंने कहा खेलेगी उसके ऊपर मैंने टॉयज से यूं लगाए हुए थे उसके उसने उसके अच्छा मैं बोली जाऊँ और उसने जो मैंने कहा तुम क्लास दे दो चुप हो जाओ तुम नहीं उसने चुप हुई और वो शुरू हो गई बस वो भी पढ़ा रही है उस वक्त मेरे ख्याल से 6 मंथ की थी छोटी थी ठीक है तो कोई क्वेश्चन कुछ है कोई बात कुछ डिस्कस करने वाली ऑनलाइन वाले बोर हो रहे होंगे दे कैन लीव ठीक है अटेंडेंस आपकी लग जाएगी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कब है आपको तो मुझे पता है माही फरा नूर और सीमा प्यास याद हो गया जो आते रह रहे हैं ना क्लास में उनके नेम याद हो गए फिर उनके पेपर भी मुझे जो पेपर चेक कर रहे होते हैं ना तो पेपर भी याद आ जाते हैं नाम अच्छा अच्छा पीके की तरह अच्छा तो ये है और जिनकी आ ही नहीं रहे उनकी शक्ल भी नहीं याद उनके मार्क्स भी नहीं याद रहते मुझे तो जो क्लास में ज्यादातर आ रहे हैं जिनके नेम्स याद हो गए मुझे तो उनके पेपर के टाइम भी मुझे नाम याद आ जाते हैं अच्छा ये है नहीं वो आज मतलब आज या कल मैं करूँगी चेकअप अब यही छुट्टियों में मैंने यही करना लोगों ने गोश्त बांटने मैंने पेपर चेक करने अच्छा फौरन बात बड़ा शाबाश ये तो एक ही दिन की होती है बोर्ड वालों के तो पेपर चल रहे हैं मेरे घर पे भी एक मेरा देवर है सेकंड ईयर के पेपर चल रहे हैं उसे कोई टेंशन नहीं वो पबजी में खेलता रहता है सारा दिन पबजी मतलब अगले दिन मैं यकीन करूँ मैं सोचती हूँ अगले दिन जो है पेपर होता है और हम लोग पागल हुए होते हैं बल्कि अगले दिन के एक महीना पहले से ही बोर्ड के पेपर में कितने ज्यादा उसका कल पेपर होता है वो आराम से पबजी खेल रहा होता है मैं कहती हूँ तुम्हारे पास पेपर है ना तो कुछ नहीं होता इतने चिल बच्चे हैं आजकल के कोई टेंशन ही नहीं है अगले दिन पेपर और पबजी खेल रहा है हर वक्त पबजी परसों मैंने एक मेमोग्राफी के पेपर चेक कर लिए है ना तो मैं चेक सारे कर लिए थे मैंने कहा तुम ना काउंटिंग करके ना मुझे मार्क्स लगाते थे तो कहता है एक दो के मार्क्स जान के करता है जो कुछ फेल हुए ना बच्चे 20 वाला पास होता है 18 या 19 तो जान के कहता है इसके 20 है मैंने कहा तुम पे मुझे शक हो रहा है तुम क्या सही से मार्किंग करो ना इसको काउंट करो कहता तो क्या हुआ दो नंबर से अगर फेल हो रहा है तो मैं ना उनसे पैसे लेना शुरू कर देता हूँ मैं उनको ना ऐसे ही पास करी जाता हूँ मुझे फाइनल में उनका नंबर दे मैंने कहा वो काउंट कर रहा था सबके ना मैं
चेक कर ही जाते, मैंने कहा जो क्रॉस है बस मुझे काउंट करके बताते रहो ठीक है, लेकिन फिर भी अभी रिव्यू करवाना है मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है उसने आधों को ऐसे ही पास कर दिया उन्होंने कहते मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, मैं स्टूडेंट का दुख समझ सकता हूँ, तो आप उनको फेल ना करें, सबको पास कर जाए। हालांकि मैंने ये भी है नहीं, मैंने इसको कॉन्ट्रा चेक किया तो था उसके साथ बाद में, तो वैसे मजाक कर रहा था, फिर कहता नहीं मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन रिव्यू इंशाल्लाह मंडे नहीं फ्राइडे को कर लेंगे ताकि मैं मार्क्स लगा दूँ ना, फ्राइडे को अगर आना हुआ, नहीं आना हुआ तो फिर ऑनलाइन ही मैं मार्क्स बता दूंगी सबको ठीक है। पेपर देख के क्या करना है, मैं देखो की बता दूंगी तो बस क्या मार्क्स बता दूंगी ठीक है, अब आगे की तैयारी करूंगी ठीक है। चलो बेटा मैं खत्म करती हूँ क्लास को और इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे, एडवांस में सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक, गोश्त शोश बचा के रखना को बारबेक्यू के लिए, खाना खाना सारे मिलके करेंगे, मैम बारबेक्यू करवा रहे हैं ना ये, हाँ हम मिलके करेंगे सारे गोश्त अपने अपने सारे ना, कुछ मसाला सारा लगा के रखना ठीक है, उसके बाद हम जो है ना सारे मिलके चलते हैं और बस सही है, अपने एक एक रान मिलके रखना पूरी पूरी रान रोस्ट करेंगे ठीक है, तो फिर हम लोग खुद का बारबेक्यू कर लेते हैं ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।